तो यार ड्रैगन बॉल दाइमा आखिर कहां से शुरू होता है? इसकी कहानी क्या सुपर के बाद शुरू होती है या फिर ड्रैगन बॉल जी के बाद, या फिर इसकी कहानी शुरू होती है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के बाद? इन सबका मैं अगर सबसे आसान जवाब दूं तो जवाब ये है, ये सुपर हीरो आर्क के बाद की कहानी है। और दूसरा जवाब, ये कहानी ड्रैगन बॉल जी के बाद की कहानी है। और तीसरा जवाब, ये कहानी ड्रैगन बॉल सुपर के बीच की कहानी है। अगर आपको ड्रैगन बॉल दाइमा को समझना है तो आप इसको ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे के एक नए आर्क के तरह देखिए। अगर आप ये तरीके से देखोगे कि ये शायद जीटी जैसा है, कुछ अलग कहानी है, तो जवाब देखो मेरा सिंपल है, भाई क्यों छाती पीट पीट कर रोना मचा रखा है कि ये कहानी तो सुपर जैसी नहीं है। भाई सुपर का ही आर्क है, बस फर्क इतना है जब कल का ड्रैगन बॉल सुपर आएगा तो इस आर्क को एनिमे में स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि ये आर्क काफी छोटा होगा। तो कल का ड्रैगन बॉल सुपर 2 में दिखाने से अच्छा ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने इस एनिमे आर्क को एक वेब सीरीज में ही रिलीज कर दिया। अब ये मेरा अंदाजा है और प्रेडिक्शन है कि अगला ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा आर्क जो होने वाला है, जो अभी करेंटली सुपर हीरो आर्क चल रहा है, उसके बाद शायद ड्रैगन बॉल दाइमा का आर्क मांगा में अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे आपने ब्रॉली मूवी को देखा था, ब्रॉली मूवी में जैसे कुछ हिस्सा पास्ट का था बराबर, फिर कहानी आ जाती है करेंट टाइम पर। सेम इस सीरीज में भी शुरुआत में कहानी पास्ट में चलेगी, फिर ड्रैगन बॉल जी में जैसे जो जो हुआ था, जैसे माजिन बू सागा के वक्त, कोई उन सब बातों को लेके, उन सारी ग्रजेस को लेके करेंट टाइम में आने वाला है या आया होगा सुपर के बीच में, और उस शख्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है डाबुरा और बाबिडी से। अब आप लोग को मैं डाबुरा और बाबिडी का इतिहास सुनाता हूँ। जो डाबुरा है उसे डेमोन रेल्म का सुल्तान कहा जाता है। डेमोन रेल्म करंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता और डेमोन रेल्म को कंट्रोल करने वाला है बाबिडी। और डाबुरा के दिमाग पर कंट्रोल किसका था? जब उसे अर्थ पर समॉन किया गया था माजिन बू के लिए, तो उस वक्त उसके दिमाग पर और उसकी बॉडी पर अगर किसी का कंट्रोल था तो वो था बाबिडी का। समझ लो एक तरीके से डाबुरा बाबिडी का गुलाम था। ध्यान रहे, बाबिडी और डाबुरा का स्ट्रॉन्ग प्लॉट है। सारी कहानी बाबिडी और डाबुरा से ही शुरू होती है। अब डेमोन रेल्म के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, और क्योंकि वो डेमोन रेल्म है उसे बीरस और वीस कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेमोन रेल्म है, उसका ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो कुछ नहीं कर सकते। मतलब बीरस का और वीस का, उस डेमोन रेल्म का कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल नहीं है, वो टेरिटरी बीरस और वीस के अंडर में नहीं आती। लेकिन अगर डेमोन रेल्म अगर बीरस के रेल्म से छेड़छाड़ करेगा, नेचर में कोई इंटरफेरेंस करेगा बीरस और वीस की टेरिटरी में, तो उसे रोकने का काम होगा बीरस और वीस का ही। अब एक और चीज ध्यान देना, ट्रेलर में दो मिस्टीरियस लोग को दिखाया गया है। एक दिख रहा था ज़ेनोसामा जैसा, जिसके हाथों में स्टिक थी, और दूसरा दिख रहा था सुप्रीम काई जैसा। अब सुप्रीम काई को क्या बोला गया है हमारे यूनिवर्स में? गॉड ऑफ क्रिएशन। और ज़ेनो को क्या बोला गया है हमारे यूनिवर्स में? लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। अब ये सुप्रीम काई जैसा दिखने वाला हो सकता है डेमोन रेल्म का ये शख्स क्रिएटर हो, जिसने डेमोन रेल्म को क्रिएट किया हो। क्योंकि देखो, जब सुप्रीम काई की रेस का इंट्रोडक्शन होता है तो ग्रैंड काई, सुप्रीम काई, एल्डर काई, इन तीनों का जिक्र जरूर आता है कि ये सबसे डिवाइन रेस में से एक डिवाइन रेस है और इविलनेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ग्रैंड काई के जमाने में इनके साथ इविल लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया था, और वो कौन थे? बाबिडी, माजिन बू और डाबुरा। लेकिन इनका मकसद क्या था सारे कायोशिन को खत्म करने का? माजिन बू, डाबुरा और बाबिडी को भेजा किसने था? देखो, अब जो सुप्रीम काई और कायोशिन का जो यूनिवर्स है, ये सारे एक न्यूट्रल पीस में बिलीव रखते हैं। वॉयलेंस ये चाहते हैं कम हो, हर यूनिवर्स में आपस में भाईचारा बने रहे। वो बात अलग है कि इनके बेवकूफ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को ही, जो ज़ेनोसामा है, वही सारे यूनिवर्स के आपस में वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो कायोशिन जैसा शख्स ट्रेलर में दिख रहा है, वो हो सकता है ये आइडियोलॉजी को जैसे यूनिवर्स पीस, वॉर पीस, वॉयलेंस पीस में बिलीव ना रखता हो। जैसे उचीहा मदारा का विजन आपको याद होगा, हाँ भाई मैं वर्ल्ड में पीस क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से। उसका इंटेंशन सही था लेकिन तरीका गलत था। तो ये जो दो मिस्टीरियस लोग हैं जो ट्रेलर में दिखाए गए हैं, ये भी कुछ यही सब को लेके करंट यूनिवर्स में आए हैं। और देखो ये कोइंसिडेंस कितना मैच होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सीरीज में सुप्रीम काई का उतना ही बड़ा रोल होने वाला है जितना ज्यादा गोकू का रोल होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम काई को पता है कि मेरे जैसा ही एक गॉड ऑफ क्रिएशन, जो सुप्रीम काई जैसा दिख रहा है, उसने ही डेमोन रेल्म को क्रिएट किया है। कोई तो पास्ट में होगा जो सुप्रीम काई के ही रेस में होगा। लेकिन जैसे जैसे इनकी रेस बढ़ते गई, शायद इनकी ही रेस में कोई शख्स निकला होगा और कहा होगा, यार देखो इसको तुम पीस कहते हो, काम करो, तुम लोग रखो ये पीस, मैं चीजें आगे जाकर अपने तरीके से चलाऊंगा। तो उसने क्रिएट किया होगा एक अपना वर्ल्ड, जैसे कि डेमोन रेल्म। ये शख्स जो ट्रेलर में दिख रहा है, हो सकता है कि यही शख्स क्रिएटर
हो डेमोन रेल्म का, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेमोन रेल्म का और इस कहानी में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। तो अगर डेमोन रेल्म का ये शख्स क्रिएटर है, तो इसके साथ जो दूसरा शख्स है जिसके हाथ में वीस जैसे स्टिक है और जो ज़ेनोसमा जैसा दिख रहा है, ये कौन हो सकता है? देखो, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन दो में से एक चीज हो सकती है। या तो ये शख्स उस रेल्म का लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है जैसे इस करंट यूनिवर्स में ज़ेनोसमा है, या तो ये शख्स उस सुप्रीम काई जैसे दिखने वाले शख्स का अटेंडेंट है जैसे हमारा वीस है। और अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो इसमें किबिडो काई और एंड्रॉइड 18 की डॉटर तुम्हें दिखाई देंगे। इसका मतलब जहां से ये कहानी शुरू होती है वहां किबिडो काई और सुप्रीम काई अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि अगर कहानी जी से पहले की होती तो किबिडो काई और सुप्रीम काई दोनों अलग नहीं हुए थे। आप लोग को याद होगा जी से पहले के जैसे ब्रॉली मूवी में शुरू में पास्ट इवेंट्स को दिखाए गए थे वो दिखाए जाएंगे, और जी के भी कुछ पास्ट इवेंट्स को कवर किया जाएगा। फिर कहानी आएगी करंट सुपर टाइम में। एक शख्स को ट्रेलर में मिली सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है, इसको अगर आप देखोगे, इसकी आंखों को देखोगे, यानी कि इसकी आंखों के डिजाइन को, और सिर्फ हल्के से इसके बालों को दिखाया गया, और अगर इसके आप बालों के डिजाइन को देखोगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा शायद ये शख्स एंजल है। लेकिन ऐसा एंजल है जो शायद हमने अभी तक नहीं देखा। वो एंजल इस पूरे 12 यूनिवर्स का करंट एंजल नहीं है, शायद करंट सिस्टम के नीचे काम नहीं करता। ये एंजल ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो के कंट्रोल में नहीं आता। अगर आप इसका स्किन कलर देखोगे, आंखों का डिजाइन देखोगे, तो मुझे लग रहा ये कोई अनरिवील एंजल है, क्योंकि रिसेंटली में इवन टोयोटारो ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ न्यू एंजल्स के डिजाइन को ड्रॉ किया था और उन्हें पोस्ट किया था, ये कहते हुए कि ये एंजल्स का डिजाइन उन्हें यूनिक लगा। टोयोटारो वही जो ड्रैगन बॉल सुपर के ऑथर है टोरियामा के बाद। तो क्या ये एंजल के डिजाइन को यूज किया गया है ड्रैगन बॉल दाइमा में? क्योंकि अगर आप हेयर्स का डिजाइन देखोगे और पैटर्न देखोगे तो ऐसे हेयर सिर्फ एंजल्स के ही होते हैं जो हल्के से हमें दिखाए गए हैं। और आपका एक और सवाल होगा कि भाई आपने कहा था इस नई आने वाली सीरीज का नाम तो ड्रैगन बॉल मैजिक होने वाला है, लेकिन वैसा नाम तो नहीं है, इसका नाम तो है ड्रैगन बॉल दाइमा। इसका जवाब खुद अकिरा टोरियामा सर ने दिया है कि ट्रेलर को लॉन्च करने से 2 दिन पहले इसका नाम कुछ और था जो उन्होंने बताया नहीं, और ऑफ कोर्स मतलब मेरे को लग रहा है कि यार मैजिक ही था वो। लेकिन लॉन्च होने के 2 दिन पहले ही ड्रैगन बॉल के स्टाफ ने और अकिरा टोरियामा ने डिसाइड किया कि हमें नाम कुछ और रखना चाहिए इस नई सीरीज का। और दाइमा का मतलब क्या है? दाइमा का मैंने ट्रांसलेशन ढूंढा और पाया, दाइमा का मतलब होता है इविलनेस थॉट्स, यानी कि इविलनेस थॉट्स में बिलीव रखना और इविलनेस को प्रेस करना। और कोई इविलनेस कॉन्स्पिरेसी को डिजायर करता हो तो इसका मतलब होता है दाइमा। और दाइमा सिर्फ एक वर्ड ही पूरी कहानी को बयान करता है। इविलनेस थॉट्स जो हो सकता है उस डेमोन रेल्म के सुप्रीम काय के साथ जोड़कर देखा जा रहा हो। इविलनेस को प्रेस करना ये भी हो सकता है उस सुप्रीम काय के साथ जोड़कर देखा जा रहा हो जो ट्रेलर में सुप्रीम काय जैसा दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा ड्रैगन बॉल दाइमा का मतलब। आ गया तो यार वीडियो को लाइक करो, और अगर नहीं आया तो आसान से शब्दों में कहो, ये ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे का एक नया आर्क है जो बहुत पहले आ रहा है। और कमेंट में लिखो अगर अब समझ आ गया तो, और अगर मैंने तुम्हारे लिए कहानी को और ज्यादा आसान कर दिया हो समझने के लिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो जिससे हमारा भी मोराल बना रहे, हमारे मन में इविल थॉट्स ना आए, हम भी दाइमा ना बन जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।